अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक, 10 जनवरी को सोमवार था, 10 जनवरी को मंडे था, तो 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो 12 दिन हो रहा है फालतू, ऑड डे 7, 12 में भाग देंगे 7 से, अंदर कितना आया 5 दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो मंडे में 5 जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मंडे है, इसमें 5 जोड़ेंगे सैटरडे हो जाएगा, इस प्रकार 22 दिन बाद सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है तो उस माह का 22वां दिन कौन सा होगा, 7वां दिन फ्राइडे शुक्रवार, तो 22वां दिन, हाँ जी 22वां दिन कौन सा होगा, तो दिन कितना हो जाएगा घटाइएगा तो 15 दिन, 15 7 22, अब 15 में 7 से भाग दीजिएगा तो 1 दिन ज्यादा आएगा, फिर कौन सा होगा, 1 दिन फ्राइडे के बाद 1 दिन सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद का क्वेश्चन है, अगर माह का 3रा दिन सोमवार, 3रा दिन मंडे है, ठीक है, उसके बाद एक मिनट इधर आइए। किसी माह का 3रा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वें दिन से आगे 5वें दिन कौन सा होगा, 3रा दिन सोमवार है, 21वें दिन से 5वें दिन आगे 26वें दिन कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा, 26 में 3 घटाएंगे 23 आएगा, 23 में 7 से भाग देंगे 2 गो अधिका और डे आएगा, फालतू दिन आएगा, तो मंडे है, मंडे में 2 को जोड़ देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो जाएगा, इसका आंसर बुधवार हो जाएगा, ठीक है। ये दिन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, 1 नवंबर को मंडे, मंडे है, मंडे छोड़ नहीं जाएगी, तो 25वां दिन कौन सा होगा, है ना, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 25 दिन हुआ, 7 से भाग दीजिए, 7 तारीख 21, और 4 दिन ज्यादा हुआ, 4 को जोड़ दो, 1, 2, 3, 4 फ्राइडे, फ्राइडे हो गया, आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन है,
किसी महीने के 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो इस माह के 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? किसी महीना में दो दो तारीख मानिए ना, 2 तारीख को संडे, तो उसी माह के 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? 19 दिन से पहले 17 हुआ, 17 से पहले 16वां दिन हुआ, 7 दूनी 14, 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, कौन सा हो जाएगा? ट्यूसडे, मंगलवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रविवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा? आज संडे, आज संडे, ठीक है, आज से 59वां दिन भाग देंगे 7 से, 57 56, 3 को एक्स्ट्रा दिन, 3 को एक्स्ट्रा दिन जोड़ लीजिए, 1 2 3 वेडनेसडे। ये फॉर्मूला का है, संडे को आप कर दीजिए 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। बेसिक B1 बोगी है रेलवे का, याद रखिए। चार्ट नंबर, अगला अगला क्वेश्चन है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को है तो मेरा जन्मदिन किस बार को होगा? देखिए, आज का दिन सोमवार है, मंडे है, अब भाई का जन्मदिन अगली साल है, 365 दिन बाद आता है, तो 365 दिन में 7 से भाग देंगे हम, 52 + 1 होगा, एक दिन अधिका होगा, भाग दीजिएगा इतना आएगा। जब मंडे है तो एक दिन, जब मंडे आज है तो अगले साल कौन सा होगा? ट्यूसडे दिन, ठीक है, अगले साल ट्यूसडे होगा, सोमवार मंगलवार। अगला क्वेश्चन, यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, आगामी कल, कल शुक्रवार है, आज गुरुवार है, 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, ठीक है, तो इस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो जून महीना जो है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 31 28 31 30 31 30। क्वेश्चन कह रहा है कि कल ना आगामी कल जो शुक्रवार है, कल जो शुक्रवार है तो आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पति मतलब थर्सडे, ठीक है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, 3 दिन बाद मतलब 15 को है ना, 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, 15 जून 3 दिन बाद, तो ये 12 हुआ, 12 जून 3 दिन बाद, थर्सडे, 1 2 3 संडे हो गया, 15 जून को कौन सी है? संडे है। अब इस माह के अंतिम दिन, तो ये माह कौन सा है? 30 दिन वाला है, बच गया कितना? 15 दिन, 15 में भाग दीजिएगा 7 से, 1 आया, 1 जोड़िएगा संडे में तो मंडे हो जाएगा, मंडे आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा, यदि 5 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद
उसी माह में 19 तारीख से कौन दिन होगा, बनाइए नीचे। यदि किसी महीने की 9 तारीख को रविवार से 2 दिन पहले की है, सब आसान आसान क्वेश्चन है। टर्न नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। एक जून को सोमवार है, तो 1 जुलाई को कौन सा वार होगा? ये देखिए, 1 जून को मंडे है, तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो जून है, यह हुआ जुलाई, जुलाई पहल का 1 जून को मंडे, तो 30 दिनवा और 1 दिनवा 31 दिनवा 7, तो 7 चौके 28, 3 दिनवा अधिका, तो आज मंडे है, तो 1, 2, 3 कौन दिनवा होगा? ये गुरुवार, बृहस्पतिवार और थर्सडे। आंसर कौन सी होगा? थर्सडे, गुरुवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको पूरा कर देते हैं हम। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 30, 31, 30, 31, 30। एक इंग्लिश में कविता है, अप्रैल, जून एंड सितंबर हैव 30 डेज लाइक नवंबर। अप्रैल, जून एंड सितंबर हैव 30 डेज लाइक नवंबर। बैठ रहा है, बैठाइए। ऐसे 30 दिन का कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। 31 दिन का कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 गो 31 का है, 6 गो 31 का है ना। 5 गो 30 का है, 1 गो 28 का या 29 का, तो जोड़िएगा तो 365 या 29 होगा, तो 366 ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम। क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2004 को बुधवार है, तो 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? 18 फरवरी 2004 लीप ईयर वर्ष, इस माह में कितना होगा? 29 गो दिन होगा, तो बच गया कितना? 29 में से 18 वो घटेगा, कितना आया जी? 11 दिन प्लस में होगा। अब फिर क्वेश्चन है, 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? इसमें 4 जोड़ दीजिए, 15, अब 7 से भाग दे दीजिए, 1 दिन अधिक आएगा, तो 18 फरवरी 2004 को बुधवार था, तो 2004 को 4 मार्च 2004 को बुधवार था, तो ये यहाँ हो जाएगा, ये 4 मार्च 2004 को गुरुवार होगा, 1 दिन बढ़ रहा, बृहस्पतिवार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि अप्रैल की 13 तारीख को बुधवार है, तो मई 9 तारीख को क्या होगा? निकालिए, अप्रैल की 13 तारीख, अप्रैल महीना तीसरा है, 13 तारीख को बुधवार है, और
अब कब कराई? 9 मई को पूछा, 9 मई को क्या होगा? तो ये 30 दिन का है, तो यहाँ 30 में से घटाइए 13, 7 दो सॉरी 1, 17 दिन और 9 जोड़ दीजिए, 26 दिन, 7 से भाग दे दीजिए, 7 × 21 सब 5, 5 दिन अधिका 21 × 5 = 26, तो 5वां दिन, तो बुधवार है, बुधवार ये हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5 सोमवार होगा क्या? सोमवार होगा, चलिए